जेडी स्पोर्ट फाउंडेशन व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्विमिंग यांच्या संयुक्त विद्यमानाने स्वर्गवासी अर्चना जयप्रकाश दुबळे यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ द्वितीय ओपन वॉटर स्विमिंग कॉम्पिटिशनचे रविवारी राजकमल बोटिंग सेंटर रामटेक स्थित खिंडसी तलावामध्ये आयोजन करण्यात आले होते. ओपन वॉटर स्विमिंगचा प्रसार प्रचार करून जलतरणपटूंना मॅरेथॉन स्विमिंगमध्ये सहभागाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्य उद्देशाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. खिंडसी तलावामध्ये प्रथमच होणाऱ्या या भव्य स्पर्धेमध्ये एकूण 5 वयोगटामधून विविध अंतराच्या स्पर्धा पार पडल्या आहेत. यामध्ये 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अंतराच्या स्पर्धांचा समावेश आहे. यामध्ये 10-13, 13-16, 16-35, 35-50 आणि 50-71 या 5 वयोगटातील महिला व पुरुषांसाठी स्पर्धा झाल्या. विजेत्यांना गौरव प्रमाणपत्र, मेडल व टी शर्ट देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे. सर्व सहभागींना देखील फिनिशर्स मेडल देण्यात आले आहे. आज स्वर्गीय अर्चना जयप्रकाश दुबळे के स्मृती प्रित्यर्थ जयप्रकाश जी दुबळे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स में, उन्होंने एक यहाँ स्विमिंग कॉम्पिटिशन आयोजित की थी. आज खिंडसी तालाब में ये जो स्विमिंग का जो हमने आनंद लिया, करीब 200 यहाँ स्पर्धक थे, सब लोगों ने बड़े अच्छे से स्विमिंग कॉम्पिटिशन पूरी की. ये देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हम देशी नहीं, हम यहाँ पे इंटरनेशनल जो स्विमर है उनको भी हम यहाँ ला सकते हैं और बढ़िया म्हणजे इंडिया लेवल की भव्य दिव्य स्पर्धा खिंडसी तालाब में आयोजित करते हैं. आता नव्याने ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये ओपन वॉटर मॅरेथॉन व स्विमिंगचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे साहसी जलतरणाला या स्पर्धेतून निश्चितच उदयमुखी जलतरणपटूंना प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे स्पर्धेचे मुख्य संयोजक डॉ जयप्रकाश दुबळे यांनी सांगितले. राजकमल बोटिंग सेंटर खिंडसी येथून सकाळी 8 वाजता या स्पर्धेला प्रारंभ झाला. आज यहाँ पर खिंडसी लेक में जो राजकमल बोटिंग सेंटर है, यहाँ पर एक ओपन वाटर स्विमिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग 5 एज ग्रुप थे और 4 अलग अलग डिस्टेंस थे, जिसमें 250 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की ऐसी प्रतियोगिता थी, जिसमें 81 स्विमर्स ने यहाँ क्वालिफाइंग स्विमिंग किया है. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर एक सुंदर ऐसा लेक है, जिसमें यहाँ पर केवल राष्ट्रीय नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन और अच्छे तैराक भी यहाँ से निर्माण हो सकते हैं. और यहाँ जेडी स्पोर्ट्स फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्विमिंग, इनके माध्यम से यहाँ पर ये जो आयोजित प्रतियोगिता थी, इसका इस प्रतियोगिता के माध्यम से निश्चित ही यहाँ के जो तैराक है उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है और आने वाले दिनों में अपने इस परिसर से अच्छे तैराक यहाँ से निर्माण हो सकते हैं. थैंक यू.